الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. पहले दिन से एक ही बात को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। खुदा करे आप भी अपनी पूरी तवज्जो उसी एक मरकजी बात की तरफ मरकूज रखें। कामयाब जिंदगी किसे कहते हैं? कामयाब इंसान कौन है? ये वो बुनियादी मसला है ना कि जब ये समझ में आएगा तब जिंदगी सुधरेगी। आज के माहौल में मुस्तकिल तौर पर कामयाबी क्या है उसको याद रखना और उसी को हासिल करने की कोशिश को अपनी ज़िंदगी की असल मेहनत बनाना ये आसान काम नहीं है, क्योंकि पूरा जो इंसानी दिलो दिमाग हैं पूरी दुनिया में उन सब के ऊपर ये बात छाई हुई है कि कामयाब इंसान वो है जिसको पास पैसा बहुत हो। ये बिल्कुल एक हर कच्चे पक्के घर में ये बात घुस गई है। जब मौसम भीगा भीगा होता है बरसात का मौसम तो उसका असर हर जगह पहुंच जाता है। आप एक बहुत टाइट शीशी में नमक रखते हैं, नमक को बहुत अच्छी तरह बंद करते हैं और फिर नमक को आप नेमत खाने में बंद करते हैं, किचन की अलमारी में बंद करते हैं, अलमारी को भी टाइट बंद करते हैं, किचन के दरवाजे को भी बंद कर देते हैं। लेकिन उसके बाद जब आप नमक की शीशी खोलते हैं तो पूरी तरह सूखा नमक मिलता है आपको या हल्के हल्के गीलेपन का असर उस नमक में घुस जाता है। माहौल का असर मौसम की तरह होता है। जैसे मौसम का असर किचन में घुसा, नेमत खाने में घुसा, बंद शीशी में घुसा और उसने नमक को भी तर कर दिया, उसी तरह
अच्छे अच्छे लोगों के दिलो दिमाग में इस वक्त ये बात बिल्कुल घुसी हुई है कि कामयाबी तो असल में पैसे को कहते हैं। क्यों भाई बताओ, ये बात मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? आप में ऐसे कौन अल्लाह वाले कहे हैं बैठे हैं जो मुझे इत्मीनान दिला दें कि नहीं हज़रत, मेरे जहन में ये गलतफहमी बिल्कुल नहीं है, मैं उनको यहाँ बिठा लूँगा और मैं नीचे बैठ जाऊँगा। हाथ उठा दें वो साहब, मुझे बहुत खुशी होगी, मेरी थकान कम हो जाएगी। कोई ऐसे हज़रत जिब्रील के पोते बैठे हों जो कहें मैं बिल्कुल पैसे वैसे के पीछे बिल्कुल नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि फिर आप यहाँ आए क्यों हैं, आपको तो किसी मज़ार पर होना चाहिए। मज़ार का पता मैं बता दूंगा। हर शख्स के जहन में ये, कोई नहीं कहता कि शराफत में कामयाबी है, सखावत में कामयाबी है, हमदर्दी में कामयाबी है, सच बोलने में कामयाबी है, माफ़ कर देने में कामयाबी है, गरीबों पर खर्च करने में कामयाबी है, बचा बचा कर रखने में कामयाबी नहीं है, खुले हाथ से खर्च करने में कामयाबी है। एक जुमला कहा अल्लाह ने, अल्हाकुमुत्तकासुर, कि और मिले और मिले और पैसा मिले और मेरी आमदनी बढ़ जाए, बस इसी ने तुमको हर तरफ से बिल्कुल गाफिल कर दिया, उलझा के रख दिया तुमको, तुम इसी में फंस गए। हर आदमी को बस इसी की फिक्र है। जिसको वाकई इसकी ज़्यादा फिक्र नहीं है वो बादशाह है दुनिया का, बड़ा खुश नसीब है। कामयाबी इंसान के अंदर से निकलती है, बाहर से नहीं जाती। बात समझ रहे हो? कामयाबी कहाँ से निकलती है? सिफात अंदर से निकलती है, अखलाक और किरदार अंदर से निकलता है। ये इंसान, ये कभी नाकाम नहीं हो सकता, कभी नाकाम नहीं हो सकता। ये अपनी गरीबी में कामयाब होगा, और वो इंसान जिसके अंदर खोट ही खोट है वो अपनी अमीरी में नाकाम होगा। जिंदगी देखो ये खेल तमाशा नहीं है, जिंदगी एक तफरीह का नाम नहीं है, ये दुनिया एक आरामगाह नहीं है, ये दुनिया सिर्फ खाने पीने की चरागाह भी नहीं है, ये दुनिया एक बड़ी सीरियसली जिंदगी का सलीका सीख कर जिंदगी गुजारने की जगह है। हम लोग सब कुछ सीखते हैं, जिंदगी गुजारने का सलीका नहीं सीखते। कोई कंप्यूटर सीखता है, बहुत मुबारक। कोई मैकेनिकल इंजीनियर बनता है, बहुत मुबारक। कोई कॉमर्स सीखता है, बिजनेस मैनेजमेंट सीखता है, एडमिनिस्ट्रेशन सीखता है, होम साइंस सीखती हैं बच्चियां, बहुत अच्छी बात है। इस्लाम क्या है? इस्लाम इस जिंदगी को सलीके से गुजारने के एक बहुत मुरतब सलीके का नाम है। ये आर्ट ऑफ लिविंग है, ये जीवन की कला है। इस्लाम कैसे जिंदगी गुजारो इसको सीखना पड़ता है, और इसी को सीखने का नाम इल्म है। ये जो इल्म के फजाइल हैं, अक्सर हम लोग भी इल्म का मतलब सही नहीं समझते। किताबों के पढ़ने को हम इल्म समझते हैं। एक आदमी जिसने किताबों को पढ़ा हो, जिंदगी का सलीका नहीं सीख पाया, वो आलिम नहीं है।
और एक आदमी जिसने किताबें नहीं पढ़ी लेकिन जिंदगी का सलीका सीख लिया, पूरे खानदान को जोड़ कर चला, वो दादा है, वो नाना है, वो बाप है, वो चचा है, वो मामू है, वो खालू है, वो फूफा है, पूरे ख़ानदान का ख्याल रखता है। उसकी नज़र दूर तक रहती है, जब उसके हाथ में महीने में पैसे आते हैं कि कौन है मेरा भांजा भतीजा जिसको थोड़ी मदद की ज़रूरत है, कौन है मेरी भतीजी जो बीमार चल रही है, कौन है मेरी भांजी जिसकी बेटी की शादी का मसला है, कौन है मेरे ख़ानदान में जिसके बच्चे अच्छी तालीम पा जाएंगे अगर मैं उनके फीस की जिम्मेदारी ले लूँगा। ये इंसान चाहे अनपढ़ हो, जैसे पहले हुआ करते थे हमारे पिछली नस्लों के बुज़ुर्ग, वो लिखना पढ़ना कम जानते थे, अंगूठा लगाते थे, मगर वो पूरे ख़ानदान को जोड़ कर चलते थे। वो लोग उलमा हैं, उलमा याद रखना, वो अनपढ़ लोग उलमा कहलाने के मुस्तहिक हैं, वो आलिम हैं, इसलिए कि उन्होंने ज़िंदगी का गुजारने का सलीका सीख लिया। इस्लाम नाम है ज़िंदगी गुजारने का सलीका, जवानी में दाखिल होने का सलीका, जवानी में अपने को बचाकर रखने का सलीका, मेहनत करके आमदनी कमाने का, हलाल कमाई कमाने का सलीका, और एहतियात के साथ दरमियानी अंदाज से खर्च करने का सलीका, न बहुत कंजूसी न फजूल खर्ची। टूटे फूटी झोपड़ी को भी साफ सुथरा रखने का सलीका, दिल में गम है मगर उसके बावजूद चेहरे पर मुस्कुराहट और मेहमानों का इस्तकबाल हंसते मुस्कुराते करने का सलीका, कोई परेशानी आ जाए तो हिम्मत के साथ उस परेशानी को झेलने का सलीका, कोई खुशी आ जाए तो उस खुशी को सलीके के साथ मनाने का सलीका, इस्लाम इसको कहते हैं। आम तौर पर सब लोगों के जहन में इस्लाम के बारे में यह है कि भैया नमाज पढ़ो, और ज़्यादा पक्के मुसलमान बनना चाहो तो दाढ़ी रखो, कुर्ता पजामा पहनो, गोल टोपी लगाओ, बस इस्लाम ख़त्म। मेरे प्यारे लोग, करोड़ों मुसलमान इस्लाम को न समझ पाने की वजह से बहुत परेशान ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इस्लाम को जो न समझ पाना है उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जिसके माँ बाप बचपन से अपने बच्चों को इस्लाम समझा देते हैं वो बहुत खुश नसीब बच्चा है, बहुत खुशकिस्मत लड़का और लड़की है। वो इस गलतफहमी में नहीं होता कि इस ज़िंदगी जो है वो खाली इश्क और हुस्न का नाम है। पहले ही से उसको मालूम होता है, उसका जहन प्रे ऑक्यूपाइड होता है। याद रखें, खाने खाली रा देव में गिरत, आप अगर किसी घर को खाली छोड़ देंगे महीनों तक उस घर में कोई आए जाएगा नहीं, तो यकीनन जिन भूत देव उस घर में बसेरा कर लेंगे, और आप जब आकर अचानक उस घर में लेटेंगे तो आपको कोई चलता फिरता नज़र आएगा या नज़र आएगी, और हो सकता है कि रात में आपका पेशाब भी निकल जाए, और आप चिल्ला कर दरवाज़ा खोल कर बंद किए बगैर भागें, हालांकि वहाँ था कोई नहीं, लेकिन आपने घर खाली छोड़ दिया तो कोई तो आएगा।
आजकल के माँ बाप अपने बच्चों के दिलो दिमाग को बिल्कुल खाली छोड़ देते हैं। बच्चे बेचारे कुछ नहीं समझते जिंदगी की हकीकतें क्या हैं। वो सिर्फ एक ही चीज़ को जिंदगी की हकीकत समझते हैं बस। मैंने कल परसों से जो नौजवानों को थोड़ा छेड़ा, उनके दिल के तारों को छेड़ा, तो 20 नौजवानों ने आकर अपने राज फाश किए। अल्लाह सलामत रखे इन नौजवानों को। उनकी आंखों में आंसू और उन्होंने कहा, हज़रत आपने बिल्कुल हमारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। हमारे जहन पर हर वक्त किसी लड़की का भूत सवार रहता है, हमारे जहन पर हर वक्त बस वही सवार रहता है। एक ने पूछा कि जिस लड़की को मैं लाइक करता हूँ, अभी अब्बा में उसके साथ शादी करने को तैयार नहीं है और वो साहबजादे ज़्यादा उम्र के भी नहीं, तो मैं सोचता हूँ कि मैं भाग जाऊँ उस लड़की को लेकर। शाबाश बहादुर, अबे इसराइल के किसी कुत्ते को लेके भागो यार, क्या तुम भी शिकार कर रहे हो? मैं तुम शेर के शिकारी हो, चूहिया पकड़ रहे हो? लाहौल भरा कुत्ते, हस तेरे की लाहौल भरा कुत्ते, भाग जाऊं। वारे मजनून, लैला मजनू बेलगाम में भी रहते हैं और आसपास के इलाकों में भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो यूनान में रहते थे बस, वो यहाँ भी उनके औलादे हैं और हर जगह हैं। क्यों है ये? उसकी वजह ये है कि इस बच्चे के दिमाग को पहले से बहुत सी प्यारी चीज़ों से इनके वालिदैन ने भरा नहीं, ये ज़िंदगी की सच्चाई समझे ही नहीं। ज़िंदगी की सच्चाई समझने के लिए इनको एक मरतबा शादी की गलती करनी पड़ेगी। एक शादी से प्याज लहसुन का जो भाव मालूम होगा, तो कान पकड़ के मकतबे नौमानिया में आकर किबला रू खड़े होकर उठा बैठी करेंगे कि अल्लाह ये पहली और आखिरी गलती थी, अब नहीं करूँगा, माफ़ कर दीजिए और इससे जान छुड़ा दीजिए। क्या मुसीबत आ गई है? क्या समझते हो शादीशुदा जिंदगी, घरेलू जिंदगी आसान जिंदगी है? जिम्मेदारियों भरी जिंदगी है, लेकिन नौजवान को एक ही रुख नजर आता है और वो रुख पहले ही हफ्ते में रुखसत हो जाता है। बस एक हफ्ते का प्यार होता है, फिर धीरे धीरे वो तूतू मैं, वो तूतू मैं, कन्नड़ में लड़ाई, उर्दू में लड़ाई, फारसी में लड़ाई, हिंदी में लड़ाई, संस्कृत में लड़ाई, राष्ट्रीय भाषा में लड़ाई, अब वो मैके भाग गई, अब तलाश करो, गई, वो आने को तैयार नहीं, मैं नहीं आऊँगी, तुम रात में सोने नहीं देते हो, तुम सुबह को जल्दी जगा देते हो, तुमको 4 बजे चाय चाहिए, मैं 8 बजे उठती हूँ, मेरी अम्मी ने कभी मुझसे चाय नहीं बनवाई, मैं कभी घर में कभी नौकरानी करने आई हूँ। अब ये साहबजादे सोच रहे हैं कौन सा गाना गाऊं जिससे मेरा दिल बहले, कौन सी मूवी देखूं जिससे थोड़ी मुझे तफरी हो। इस बार यहाँ चूंकि नौजवान लड़के ज़्यादा हैं, इसलिए मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ। मुजरिम हैं माँ बाप, उन्होंने बचपन से बच्चों को बताया नहीं, देखो बेटा ज़िंदगी की हकीकत क्या है, ज़िंदगी में क्या क्या मरहले पेश आएंगे। माँ बाप सबसे कम बातचीत अपने बच्चों से करते हैं, ये बहुत अहम बात कह रहा हूँ, सबसे कम बातचीत माँ बाप अपने बच्चों से। आप में से जितने माँ बाप हैं सोचें, आप अपने बच्चों से क्या बात करते हैं? आप इधर घर में दाखिल होते हैं, उधर बच्चा भाग जाता है, आप घर में दाखिल होते हैं, बच्चा छुप जाता है, आपके और औलाद के दरमियान कैसे ताल्लुकात हैं? आपके और औलाद के दरमियान ये ह्यूज गैप क्यों है? क्यों ऐसा नहीं होता कि आप घर में दाखिल हों और बच्चे आकर चिमट जाएं? मोहब्बत क्यों नहीं है शदीद बच्चों को अपने बाप से? बाप की भी गलती है, बच्चों की भी गलती है। बाप ने बच्चों को दोस्त नहीं बनाया, बाप ने बच्चों को अपने पास बिठाया नहीं,
बाप ने बच्चों को तजुर्बों की बातें नहीं बताई। बच्चों, मेरी ज़िंदगी 60-70 साल की हो चुकी है, बहुत नरम गरम हालात से गुज़रा हूँ, सुनो कुछ कहानी, सुनो कुछ तजर्बे की बातें। और बच्चे भी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी इसी में जताएं कि हमें कुछ अक्लमंदी की बातें बताइए, कामयाबी के रास्ते बताइए। हर घर में माँ बाप और बच्चों के दरमियान, माँ और बेटी के दरमियान, बाप और बेटे के दरमियान, माँ बाप और औलाद के दरमियान एक गैप है। और अगर कोई नसीहत करना चाहता भी है तो डांटना शुरू कर देता है, बुरा भला करना शुरू कर देता है, पिटाई शुरू कर देता है, समझाया कुछ नहीं आपने और आप डांट रहे हैं। ये लड़का बेचारा जिस माहौल में पल रहा है, इसके स्कूल में जो माहौल है, इसके दोस्तों का जो कैरेक्टर है, इसके कॉलेज में जो माहौल है, वो गंदा माहौल है, बहुत ख़राब माहौल है। आपने इसको धकेल दिया, इसको तैयार नहीं किया उस माहौल की गंदगी से अपने को बचाने के लिए, इसको पहले से आगाह नहीं किया, बेटा मजबूरन स्कूल भेज रहे हैं। ख्याल रखना, स्कूल में एक से ख़राब लड़के मौजूद हैं, उनसे दूर रहना, दोस्ती मत करना, फासले मेंटेन करना। तुम अपने घर में खेलो, कोई बहुत प्यारा नेक लड़का दोस्त बना दीजिए अपने बेटे का, बस तुम दोनों बैडमिंटन खेला करो, तुम्हें किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं। एक घंटा शाम को रोज़ाना खेल लिया करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, घर के अंदर रहो, माँ बाप की आँखों की ठंडक हो तुम। प्यार से समझाइए, ज़माने की ऊँच नीच समझाइए कि बेटा अच्छे लड़के नहीं हैं, अच्छे दोस्त नहीं मिलेंगे तुमको, दोस्त के सिलेक्शन में गलती होगी। आप अपने बच्चों के सिलसिले में बिल्कुल वक्त नहीं देते और समझदारी से काम नहीं लेते। बहुत से माँ बाप तो भोले भाले सीधे साधे, उन्हें कुछ खबर ही नहीं है। अगर आप बच्चों से बात नहीं कर सकते तो किसी पढ़े लिखे किसी आलिम की काउंसलिंग कराइए, उनसे कहिए कि ज़रा मेरे बच्चे को थोड़ी बातें समझा दें, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मैं नहीं समझा पा रहा हूँ। ज़िंदगी एक हुनर है, हुनर, ज़िंदगी का गुजारना एक फ़न है, उसको सीखना चाहिए। और उसी को सिखाने के लिए अल्लाह ने क़ुरान भेजा, उसी को सिखाने के लिए अल्लाह ने पैगंबर भेजे। इस्लाम ज़िंदगी से अलग कोई चीज़ नहीं है, हर हर कदम पर इस्लाम रहनुमाई करता है। आप सोचें ज़रा, टॉयलेट कैसे जाओ ये भी इस्लाम सिखाता है, टॉयलेट से बाहर कैसे कदम निकालो ये भी इस्लाम सिखाता है, खाने के लिए कैसे बैठो ये भी इस्लाम सिखाता है, खाना कैसे शुरू करो ये भी इस्लाम सिखाता है, खाने के दरमियान अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करो और आपस में हल्की फुल्की बातें करो। अजीब है इस्लाम, शायद सबसे पहले दुनिया में इस्लाम ने सिखाया था कि जब तुम लोग दो चार लोग मिलकर साथ में बैठ के खाना खाओ तो हल्की फुल्की बातें करो, हंसी मजाक की। खाने के दरमियान कब्र हशर का बयान न शुरू कर दो, नहीं तो उन साहब को जल्दी रवाना करो। कहाँ, मेरे कहने पर भी समझ में आया, तुम लोग भी तो कब्रिस्तान के करीब बैठे हो, कुछ मेरे इशारों को समझ ही नहीं पाते। मैं चलते चलते बड़े ख़तरनाक इशारे करता हूँ, हाँ, उसको पकड़ने के लिए बड़ा तेज़ रिसीवर चाहिए। हमारे बहुत से तबलीगी साथी खाना खाते शुरू कर देते हैं, दोस्तों जहन्नम में क्या खाने को मिलेगा। हुजूर ने क्या फरमाया, फरमाया तहद्दसु अला मवाइदिकुम वलौ बिसिमानी असलिहतिकुम,
दस्तरखान पर बैठा करो तो ज़रा हल्की फुल्की बातें किया करो, और कोई मौजू नहीं मिलता, वाह रे रसूलुल्लाह, तो हथियार किस कीमत में मिल रहे हैं इस पर बातें किया करो, इसकी तो बहुत ज़रूरत है आज। समझ गए, सर हिला रहे हैं कुछ लोग, उनके ज़ौक़ की चीज़ है, ऐसे भी मुजाहिदीन हैं यहाँ। बात किया करो, हंसी मजाक। अब जाकर मेडिकल साइंस कहती है कि जब इंसान खुश होता है, हंस रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है, टेंशन नहीं होता, तो उसके दिमाग से ऐसे केमिकल निकलते हैं, वो केमिकल खाने के हजम में बहुत मददगार होते हैं। अब हज़ारों दुरूद भेजो रसूलुल्लाह पर कि उन्होंने हमको ये तरकीब बता दी। इसके बजाय अगर खाना खाते हुए गुस्सा आ गया, खाना खाते हुए बीवी से झगड़ा हो गया, खाना खाते हुए और कुछ टेंशन पैदा हो गया, तो आपको खाना खाने के दरमियान ही टॉयलेट जाना पड़ेगा। इतनी एसिडिटी बन जाएगी कि उसी वक्त आपका पेट ख़राब होना शुरू हो जाएगा। अब एक मेडिकल बात है जो रसूलुल्लाह ने बताई, ये रूहानी बात भी है और ये मेडिकल बात भी है। आप बताइए, अल्लाह के रसूल ने इस हद तक कहा, कोई तुम में से एक छत पर अगर सोए तो किनारे मत सोया करे, क्योंकि अगर छत पर मुंडेर नहीं है तो कहीं करवट लेते लेते वो बेचारा नीचे न गिर जाए। कितनी शफ़क़त है रसूलुल्लाह को, कितनी फिक्र है, जितनी एक माँ को अपने छोटे बच्चे की सलामती की फिक्र है, उतनी हमारे आपके आका को अपने एक एक उम्मती और एक एक इंसान की सलामती की फिक्र है। इस्लाम क्या क्या नहीं सिखाता, इस्लाम को कुर्ते पजामे में महदूद मत करो, इस्लाम को नमाज रोज़े और टोपी में महदूद मत करो। इस्लाम बताता है कि शादी की महफिलें कैसी रचाओ। क्या अजीब बात है, या तो हमारे मुसलमानों की इस वक्त की शादियाँ इतनी खुराफात, इतनी फजूल खर्ची, इतनी फोटोग्राफरी, इतनी बेहयाई, इतनी बेपर्दगी, इतना नंगापन, अल्लाह की पनाह, यानी ऐसा मालूम होता है कि जैसे कोई सेल लगती है जूतों की सेल बाटा शू कंपनी की, तो जूते बड़े सजा कर शोकेस में रखे जाते हैं, जी चाहता है कि कोई आदमी उठाकर सर पर रख ले, इतना प्यार से, इतना खूबसूरत डेकोरेशन होता है। शादी में औरतें अपने को इस तरह सजा कर ले जाती हैं, लड़कियां इस तरह सजा कर ले जाती हैं जैसे लड़कियों की सेल लगी है। माशाल्लाह, आप ये बर्दाश्त करते हैं कि आपकी लड़कियों की सेल लगे? आप ये पसंद करते हैं कि आपकी औरतों की सेल लगे? इस्लाम किस कदर खूबसूरत तरीका है। इस्लाम कहता है कि ए लड़की, ए औरत, सुनो गौर से, मैं बहुत खुलकर बातें कर रहा हूँ। ए औरत, हम जानते हैं कि तुमको दिखाने का शौक है, और ए मर्द, हम जानते हैं कि तुमको देखने का शौक है। पता नहीं यहाँ समझदार लोग बैठे हैं कि नहीं, या छुपा रहे हैं, अगर कहीं रिएक्शन दे दें तो पकड़ जाएंगे कि इनको भी देखने के शौक, इसलिए ज़्यादा समझदार है। मैं मान गया आपकी समझदारी को, इन बातों को आप ऐसे सुनते हो, चेहरे पे मुस्कुराहट तक नहीं आती, सर भी नहीं झुकाते कि हजरत ने चोर पकड़ लिया, वाकई में देखने के शौकीन हूँ। मर्द को अल्लाह ने देखने का शौकीन बनाया है, कुन लो, मैं भी मर्द हूँ, आप भी मर्द हैं, मर्द को देखने का शौकीन अल्लाह ने बनाया है और औरत को दिखाने का शौकीन बनाया है, और ये दो शौक़ दुनिया में न होते तो कोई ज़िंदगी जीने को तैयार ना होता। कान खोल के सुनो, मैं बहुत हिंदी की चिंदी करके साफ साफ ज़िंदगी की हकीकतें बयान करना मजबूरन मैं बयान कर रहा हूँ,
ऊपर ऊपर के बयान से किसी की समझ में आज कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन इस्लाम क्या कहता है ये बताओ, तुम कितनी औरतों को देखोगे? क्या खूबसूरत सवाल है। जितनी औरतों को देखोगे उतनी प्यास तुम्हारी बढ़ेगी, इसलिए तुम एक को देखो, बाकी किसी को मत देखो। वाह रे इस्लाम! इस्लाम ने शौहर को बीवी का दोस्त बना दिया, आशिक बना दिया। इस्लाम यहाँ आप लोग जो हैं वो शादी से पहले तक दोस्त रहते हैं, शादी के बाद दरोगा बनते हैं थाने के। जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी होशियार हो जाएं, समझ रहे मोहम्मद अहमद? और जिनकी हो गई है वो चुपके से मेरे कान में कहें, आपको हमारे घर की बात कैसे मालूम होगी? इस्लाम कहता है कि शौहरों आशिक बनो अपनी बीवियों के, बॉयफ्रेंड बनो अपनी बीवी को, अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ, इससे ज़्यादा खुलकर कोई कहेगा? तुम उसे एक बीवी क्यों समझ रहे हो भाई? शादी से पहले तक वो दोस्त थी, अब कौन हो गई तुम्हारी? उसी से प्यार करो, उसी को भेजो मैसेजेस, आई लव यू, आई मिस यू, उसको भेजो। उसको नहीं भेजते हो, इसको उसको भेजते हो। वाह भाई वाह! और फिर मोबाइल उससे छुपाए रखते हो, और वो भी बहुत होशियार है, वो भी रात में 2 बजे उठ के मोबाइल चेक करती है, लेटेस्ट मैसेज किसका आया है और किसको गया है और क्या गया है। मैं औरतों से कहता हूँ ज़रूर चेक किया करो, छोड़ो मत। ये सब बहुत ख़तरनाक लोग हैं, छोड़ना मत इनमें से किसी का मोबाइल, मत छोड़ना, अच्छी तरह चेक किया करो। इनके लंबी लंबी दाढ़ियों पर भी भरोसा मत करो। हाँ, ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझको हम वली समझते जो नबादा खार होता। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू नहीं समझते और मैं कन्नड़ नहीं जानता। बीवियों से भी कहता हूँ, अपना हुस्न तुम सबको दिखाती हो सिवाय शौहर के। शौहर जब घर में आता है तो तुम मेरी कुचैली होती हो, पहली नज़र जो शौहर की पड़ती है तो शौहर के मूड ख़राब हो जाता है। बाल जा रहे हैं बांग्लादेश, साड़ी का पल्लू जा रहा है श्रीलंका, समझिए, और दुपट्टा काला और जंपर लाल, उल्टा सीधी बिल्कुल। अब वो शौहर क्या तुमको देखेगा? दिन भर काम करके गंदी हो जाती हो। इस्लाम नहीं सिखाता ये, इस्लाम कहता है शौहर के घर पहुंचने से पहले हर बीवी को सज जाना चाहिए, बनाओ सिंगार करना चाहिए, साफ सुथरा हो जाना चाहिए, ताकि शौहर आए और आंख भर के देखे, दिल खुश हो जाए। ये इंसान की फितरत है, हमको अल्लाह ने इंसान बनाया है, हमको अल्लाह ने फरिश्ता नहीं बनाया, और हमसे मुतालबा नहीं किया अल्लाह ने कि तुम फरिश्ते बनो। हमसे कहा है कि तुम इंसान होकर वली बनो, फरिश्ते बनकर वली बनने की कोशिश मत करना। इंसान होकर मुत्तकी बनो, फरिश्ते बनकर मुत्तकी होने की कोशिश मत करना। वाह रे इस्लाम, कितना प्यारा है इस्लाम! हमारे नाजुक एहसासात का ख्याल जितना हमारे रब ने रखा है, जितना प्यारे रसूल ने रखा है, उतना वल्लाह लड़की की माँ भी नहीं रख पाती। हुजूर फरमाते हैं, सफ़र से जब जाओ ए मर्दों, तो बिला इत्तिला अचानक घर न पहुँचो। आजकल क्या क्या फैशन है? सरप्राइज। और सरप्राइज के नतीजे में 7.5 तलाक। क्या पागलपना है! सहाबे के नाम से बढ़कर आप मुत्तकी हैं? सफर से वापस आते थे सहाबा,
अल्लाह के रसूल वापस आते थे, मदीने से पहले आकर ठहर जाते थे और मदीने इतना भेजते थे कि तमाम सहाबा के घरों में खबर पहुंच जाए कि हम लोग फलां वक्त तक पहुंच रहे हैं, अल्लाह, ताकि औरतें साफ सुथरी हो जाएं। मर्द की एक फितरत है, अगर आप सब मर्द हैं तो कहिए हाँ, और अगर नहीं है तो नुमानी अस्पताल में कल ही चले जाइए। है इससे इलाज है इसका, ना मर्दों का इलाज है कि नहीं, ना हो तो डिपार्टमेंट खोलो। कहाँ है डॉक्टर शकील साहब, कुछ कीजिए ना मर्दी का इलाज। अगर मर्द हो तो सुनो इस बात को, मर्द ये चाहता है, फितरत है इंसान। इंसान जब कई दिन के बाद अपने घर जाए तो उसकी आंखें ठंडी हों, दिल खुश हो, मुस्कुराती हुई बीवी हो, ये नहीं चाहता कोई मर्द कि अब घर पहुंचे तो जाते ही शिकवा शिकायत शुरू हो जाए, मैं नहीं बोलूंगी, आपको तो मेरी परवाह ही नहीं है, कभी तीन दिन कभी चिल्ला, बचाइए जाइए जाइए। या बिल्कुल मैली कुचैली, या आप दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और बेगम साहब सो रही हैं क्योंकि उन्होंने देर रात तक टीवी देखा है, और आप सुबह पहुँचे हैं, रात की ट्रेन से चले थे, दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा है, इतनी देर में आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ये कमबख्त नालायक, कहाँ मेरी किस्मत फूट गई, आधे घंटे से दरवाजे पे खड़ा हूँ और ये दरवाजे ही नहीं खोल रही, कमी नहीं कहीं की, अभी बताता हूँ इसको। ये है इसे। इस्लाम इन सब के रास्ते बंद कर देता है। मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत के कलिमात का तबादला बिल्कुल नहीं हो रहा है आजकल, बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये मुझे हिम्मत ना होती अगर मेरे हजरत ने अपने सैकड़ों बयानों में इस पर ज़ोर न दिया होता, और हजरत ने मुझसे ख़ास तौर पर कहा ना होता कि मौलाना आप इन चीज़ों को खोलकर बयान किया करें, आप कर सकते हैं, कोई तकल्लुफ मत करें। किचन में आपकी बीवी काम कर रही है, आपके लिए समोसे तल रही है, आपके लिए इफ्तारी बना रही है, आपके लिए खाना पका रही है, आप बैठे हैं खाली, पहुंच जाइए पाँच मिनट के लिए किचन में। आप कहिए चलो मैं भी आज मदद करता हूँ, अब बीवी क्या कहेगी, ठीक है मैं आज आराम करती हूँ, आज आप बनाइए, अब उस दिन जैसा भी बनेगा खा लेना। हाँ, वो जैसा समोसा बनेगा वो गोल होगा कि चार कोने वाले होगा, कुतुब मीनार बना होगा उसमें, वो क्या होगा, लेकिन आपको तो वो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये होना चाहिए। अल्लाह के रसूल करते थे, रसूलुल्लाह करते थे, आप सोचिए ज़रा किसका नाम ले रहा हूँ मैं, किसी आलिम और बुज़ुर्ग का नाम नहीं ले रहा हूँ। मेहमान आ गए, हुजूर फौरन आ गए, फ़ाइशा हम तो मिल के करते हैं, तुम ऐसा करो गोश भूनो, मैं रोटी पकाता हूँ, मैं आटा गूंथता हूँ। क्या दिल बढ़ता है बीवी का, बीवी आमतौर पर यह कहेगी नहीं बिल्कुल नहीं, आप आराम कीजिए मैं अभी तैयार कर लेती हूँ। सैयदना अबू अय्यूब अंसारी लग गए और उनकी बीवी लग गई, जब हुजूर उनके घर पे पहुँच गए, घर का माहौल देखो, इस्लाम क्या कह रहा है, खाली मकतब नुमानिया खानकाह में आकर दुआ में रो लेना ये इस्लाम नहीं है, ये बिल्कुल इस्लाम नहीं है। अच्छे शौहर बन के रहो, अच्छे बाप बनो, अच्छी माँ बनो, अच्छी बीवी बनो, अच्छी औलाद बनो, अच्छे ताजिर बनो, खूब मेहनत करो, पढ़ाई में बहुत एक्सीलेंट नंबर लाओ, टॉप करो अपने क्लास में। तुम अपने कॉलेज में दीन का काम करना चाहते हो, तुम्हारे कॉलेज में दीन का काम तुम तब कर पाओगे जब तुम एजुकेशन में टॉप करोगे कॉलेज में, वरना तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। आम तौर से हमारे यहाँ वो लड़के दीनदार बन जाते हैं जो पढ़ाई में कामयाब नहीं होते, ये बात सही है कि नहीं, बताओ हाथ उठाओ, ये बात सही है कि नहीं। वो स्टूडेंट्स दीनदार बन जाते हैं, वो तबलीग में लग जाते हैं, जिनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, जो बामुश्किल चीटिंग करके पास होते हैं, ऐसे लोग इस्लाम का काम करेंगे, ऐसे लोग दावत देंगे,
दावत दी थी खालिद बिन वलीद ने जो आर्मी चीफ थे, दावत दी थी अबू उबैदा जर्राह ने जो ज़मीन आसमान के ख़जानों के मालिक थे, अमीन हाज़िही उम्मा, दावत दी थी अम्र इब्ने आस ने जो मुल्कों के दरमियान सफारतकारी के माहिर थे, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट थे, बेहतरीन एम्बेसडर थे, जिस मुल्क में जाते थे उस मुल्क की हुकूमत का दिल जीत लेते थे। दावत दी थी जाफर तैयार ने जो कम्युनिकेशन स्किल के मास्टर थे, बेहतरीन गुफ्तगू करना जानते थे, शीशे में उतार लेते थे सामने वाले के दिल को। सहाबे किराम ये गिरे पड़े नाकाम लोग नहीं थे, सहाबे किराम कामयाब तरीन लोग थे, बिजनेस में कामयाब, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में कामयाब, सोशल रिलेशन में कामयाब, इंटरनेशनल रिलेशन में कामयाब, लिटरेचर अदब और शायरी में कामयाब। वो कोई जाहिल बैकवर्ड रिजेक्टेड डिजेक्टेड किस्म के लोग नहीं थे। आज मुसीबत यह है कि दीनदार मजमा आम तौर पर उन्हीं लोगों का है जो कम पढ़े लिखे हैं और दुनिया में नाकाम है। इसी वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है और ज़हीन लोग इंटेलेक्चुअल लोग वो इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे, वो दीनदारों से दूर रहते हैं, एक गैप बनता चला जा रहा है। जो लोग दीन में आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं कहता हूँ वो पढ़ाई में भी आगे बढ़ें, वो एजुकेशन में आगे बढ़ें, वो अपनी हुनर में अपनी स्किल्स में आगे बढ़ें। मैं एक बार सऊदी एयरलाइन से सफ़र कर रहा था, मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह सफ़र में थे, मैं उनके खादिम की हैसियत से उनके साथ था, तो अचानक जहाज़ के अंदर पायलट निकला, पायलट के जो केबिन होता है कॉकपिट, उसके अंदर से पायलट निकला और नूरानी दाढ़ी चेहरे पर नमाज का निशान सऊदी पायलट, उसने आकर वाले साहब से लिपट गया, हाथ चूमे, पेशानी चूमी, खैरियत पूछी, दुआ की दरख्वास्त की, इतनी दिल खुश हुआ। तो फिर उसने ख़ुद पूछा कि मिन मशायख निज़ामुद्दीन, उस पायलट ने पूछा कि क्या निज़ामुद्दीन के बुज़ुर्गों में से हैं, तो मैं समझ गया कि इसका मतलब है कि इस पायलट का तबलीग से ताल्लुक़ है। तो उसने बड़ी अकीदत का इज़हार किया, उसने कहा मैं अमेरिका में पढ़ता था, बहुत गुनाहगार था, अल्लाह का शुक्र है मैं जमात में निकला और मेरी ज़िंदगी बदल गई, अब मुझे इंडिया के बुज़ुर्गों से, तबलीग के बुज़ुर्गों से बहुत मोहब्बत है। और मुझे किसी अमले के आदमी ने बताया कि आपके जहाज़ में कोई अल्लाह वाले हैं, तो मैं अपने असिस्टेंट को जहाज़ की कमांड देकर आया हूँ, थोड़ी देर आपके पास बैठना चाहता हूँ। फिर जहाज़ ही में उसने हज़रत वालिद साहब से बैत की। मैं सोचने लगा हवाओं में भी बैत हो रही है, फिज़ाओं में भी बैत हो रही है। तो अब ये शख्स जो इंटरनेशनल एयरलाइंस का पायलट है, कितना आला तालीम याफ्ता है, पक्का दीनदार है, इत्तेबाए सुन्नत उसके अंदर है, कोई झिझक नहीं है, और वो खुल्लम खुल्ला किसी अल्लाह वाले से अकीदत का इजहार कर रहा है, आप बताओ इसको देखकर क्या हज़ारों छोटे नौजवान दीन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे? इसलिए नौजवानों आपसे कहता हूँ कि आप ऑलराउंड डेवलपमेंट करो, खिलाड़ी भी बनो, फिज़िकल फिटनेस का ख्याल करो, पाक दामन रहो, लड़के लड़की के चक्कर से बचो। वालदेन से कहता हूँ अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, अपने बच्चों की जल्दी शादियाँ करें। लड़कों को समझाता हूँ ज़िंदगी खाली हुस्न और इश्क का नाम नहीं है, बड़ा चैलेंज है ज़िंदगी। शादी होती है बाप बनने के लिए,
शादी मजनू बनने के लिए नहीं होती, और लड़की की शादी होती है माँ बनने के लिए, लैला बनने के लिए नहीं होती। और अजीब बात है, दोनों पर अल्लाह ताला ने शौक ऐसा सवार कर दिया कि लड़के को भी याद नहीं रहता कि सारी मेरी आज़ादी छिन जाएगी शादी के बाद, और लड़की को भी याद नहीं रहता कि सारी मेरी आज़ादी छिन जाएगी शादी के बाद। एक ही पहलू उस दोनों के जहन पर सवार रहता है, और ये अल्लाह की बड़ी हिकमत है। क्योंकि मैं तो साफ कहता हूँ, डंके की चोट पर हज़ारों बार कह चुका हूँ, क्योंकि अगर ये अल्लाह ताला लड़के और लड़की में ये कशिश न रखता तो कोई समझदार लड़का निकाह पढ़वाने के लिए तैयार न होता। उसको बिठाया जाता है निकाह पढ़ाने के लिए, चार आदमी पकड़ के, और ये हमारे बॉडीगार्ड पिस्टल लिए खड़े रहते हैं उस दूल्हा के सर पर, भागने न पाए, और वो लड़का भागता चप्पल जूते सेहरा छोड़ के, और जाके पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट करता, मैंने क्या बिगाड़ा है कि ये मेरी शादी कर रहे हैं, ये मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, ये मेरी शादी हूँ, मेरी आज़ादी क्यों छीन रहे हैं। मैं मस्ती से 1 बजे रात को घर वापस आता हूँ, कोई पूछने वाला नहीं, शादी के बाद 10 बजे रात को मोबाइल बजेगा, कहाँ हो, और मोबाइल में आजकल कैमरे लग गए, वहीं से पता लग जाता है कि साहबजादे हैं कहाँ, कहाँ आइसक्रीम खा रहे हैं, किस ग्रुप के साथ बैठे हुए हैं। ये तो मैंने गलत बता दिया, आप में से बहुत से लोग वही कैमरा लगवा लोगे। नहीं नहीं मैं गलत कह गया, छोड़ो इसको, समझे। बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी इस्लाम ने मुरत्तब की है, पैदाइश से लेकर मौत तक, बचपन, लड़कपन, नौजवानी, जवानी, अधेड़ उम्र, बुढ़ापा, हर एक को इतने खूबसूरत अंदाज से इस्लाम ने डिज़ाइन किया है। मेरी पूरी कोशिश इस पूरे एतिकाफ़ के दौरान ये है कि आपकी तवज्जो को उस वसीतर इस्लाम की तरफ मोड़ूँ। आपके जहन में खाली नमाज, रोज़ा, कुर्ता पजामा, दाढ़ी, जिक्र, मुराकबा न रहे, आपके जहन में इस्लाम एक खूबसूरत तर्ज ज़िंदगी के तौर पर आए। ऐसे इस इस्लाम को करीब करो, जिक्र करने से इस पूरे इस्लाम पर अमल करने में बहुत मदद मिलती है, बहुत मदद मिलती है। जो आदमी सुबह शाम अल्लाह को याद करता है, जो आदमी कुरान मजीद की एक पारे के रोज़ तिलावत करता है, जो आदमी दुरूद शरीफ पढ़ता है आका इनामदार पर, जो आदमी 1-2 मिनट अपनी तौबा रोज़ाना ताज़ा ताज़ा अल्लाह से कर लेता है, उसके लिए इस पूरे इस्लाम पर अमल करना आसान होता है। अगर घर के बाहर बिजनेस में, दुकान में, कहीं पर कोई टेंशन भी आ जाता है, तो ऐसा इंसान वो टेंशन घर लेकर नहीं आता, वो टेंशन बाहर छोड़कर आता है। घर में आता है तो नॉर्मल मूड में, मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, दूसरों को हंसाता हुआ। क्या आज इस एतिकाफ में ये जो मैं बार बार बातें दोहरा रहा हूँ, ये आपको कुछ समझ में आ रही है, या मौजू बदलूँ और कब्रिस्तान ले चलूँ? क्यों भाई, कब्रिस्तान ले चलूँ? किसकी ख्वाहिश है? कब्रिस्तान जाने की ख्वाहिश किसकी है? मैं तैयार हूँ इस खिदमत के लिए, तो ज़रा हाथ उठाएं वो जो चाहते हैं कि ये हंसी मजाक की बातें बहुत हो गई, अब कब्रिस्तान ले चलिए। कोई नहीं, कोई जाने नहीं चाहते, बड़े पक्के लोग हैं, ये बहुत बहादुर है भाई, जाना तो पड़ेगा। 1000 बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, जाना तो पड़ेगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजार। मौत जिंदगी की सबसे अटल हकीकत है, और जिंदगी सबसे अच्छी उसी की गुजरती है जो सबसे ज्यादा मौत को याद करके जिंदगी गुजारता है। जिंदगी सबसे खराब उसी की गुजरती है जो मौत को भूल कर जिंदगी गुजारता है।
मैंने वही आयत पढ़ी थी अलहाकुम अत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। मौत की याद जिंदगी के मज़ों को ख़त्म करने के लिए नहीं है, मौत की याद जिंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए, जिंदगी को लजीज बनाने के लिए। जब सबको मरना है, मुझको भी मरना है, तो मौत से डरना क्या है भाई? डरने से भाग जाएंगे हम? हमें मौत से नहीं डरना है, मौत के बाद अल्लाह की नाराज़गी से डरना है। अगर ये उम्मीद हो जाए कि मौत के बाद अल्लाह की रज़ा मिलेगी, तो अल्लाह अपनी रज़ा वाली मौत के लिए मैं हर वक्त तैयार हूँ। मौत डरने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, मौत के बाद अगर गड़बड़ हुआ तो वो डरने वाली चीज़ है। और जो नौजवान अपनी नौजवानी को पाकदामनी के साथ गुजार देगा, इतना बड़ा वादा किया है अल्लाह ने उससे, ऐ नौजवान तुझे थोड़े दिन सज़ा देने के बाद, जहन्नम में गुजारने के बाद जन्नत में नहीं भेजूँगा। जहन्नम तो छोड़ो, कब्र का अज़ाब छोड़ो, मैदान हश्र में सूरज की धूप भी तुझे ऐ नौजवान नहीं लगने दूंगा। मैं तुझको अपने अर्श के साए में जगह दूंगा। नौजवानों, खुशखबरी हो, ये मुकाम नौजवानों को मिलेगा, पाक दामन नौजवानों को, जो अपनी एनर्जी को गुनाहों में बर्बाद नहीं करते। आजकल हर चौथा आदमी जो दुआ की दरख्वास्त करता है हमारे बुज़ुर्गों से, मुझे लगता है वो ये कहता है कि 8 साल हो गए, 12 साल हो गए, अभी औलाद नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शादी से पहले, बचपन से लेकर नौजवानी और जवानी तक इन्होंने इस कदर गुनाह किए हैं कि इनके अंदर की जो ताकत और एनर्जी है वो ख़त्म हो गई है, अब ये उसकी सज़ा भुगत रहे हैं कि इनकी औलाद ही नहीं है, या अपनी बीवी को ये खुश ही नहीं कर पा रहे। नौजवानों, आँख खोल कर ज़िंदगी गुजारो। हम लोगों ने अपने बयानों में ये बातें खुलकर कहनी बंद कर दी, इसने करोड़ों नौजवानों को नुकसान कर दिया। याद रखना, मैं खुलकर कहता हूँ, बिला खौफ लौमत लाइम कहता हूँ, सबसे ज़्यादा खुशगवार ज़िंदगी शादी के बाद सिर्फ उसी की गुज़रती है जो शादी से पहले पूरे तकवे के साथ, एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजारता है। तुम अगर आखिरत के लिए अगर तकवा इख्तियार नहीं कर पा रहे हो, तो अपनी खुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी ही के लिए तकवे वाली ज़िंदगी इख्तियार कर लो। अगर तुम जन्नत पर यकीन नहीं कर पा रहे, अगर तुम आखिरत के सज़ा और जज़ा पर यकीन नहीं कर पा रहे, तो इतनी बात तो समझ लो कि अगर तुमने जल्दबाजी की और अगर तुमने अपनी एनर्जी को बर्बाद किया और अगर तुमने लड़के और लड़कियों के साथ अपनी ताकत को वेस्ट किया, तो कल को शादी के बाद अपनी बीवी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जमीयत उलमाए हिंद, दारुल क़ज़ा चलाती है, इस्लामी अदालत चलाती है, शरई पंचायत चलाती है, कभी आकर देखो वहाँ दरख्वास्तें कौन सी ज़्यादा आ रही हैं। सबसे ज़्यादा दरख्वास्तें उन बीवियों की आ रही हैं अक्सर अदालतों में, जो बीवियाँ कहती हैं 2 साल हो गए शादी को, आज तक मेरे शौहर मेरे साथ सो न सके, उनके अंदर ताकत ही नहीं है, अब मुझे आज़ाद करा दीजिए, मैं इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। तुम्हें पता है कौन सी शर्मनाक ज़िंदगी तुम्हारे इंतज़ार में है? नौजवानों, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। कितने नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं कि वो अपनी बात किसी से कह नहीं पाते, सिर्फ उन गुनाहों की वजह से जो उन्होंने बचपन से करना शुरू कर दिया। पाक साफ रहो, दुनिया में भी जन्नत का मज़ा लूटो, आखिरत में भी जन्नत है तुम्हारी। और वाहरे रसूलुल्लाह, वो कहते हैं मैं उन तमाम नौजवानों को जिनकी नौजवानी पाक गुजरी होगी, पूरी ज़िंदगी उनकी पाक गुजरी होगी, मैं उनको अर्श इलाही के नीचे खड़ा करवाऊंगा। कोई धूप नहीं, पूरी इंसानियत एक ऐसे दिन में जो 50,000 साल के बराबर होगा, सूरज सर के बहुत करीब होगा, पसीने फूट रहे होंगे, पागल हो रहे होंगे लोग, गर्मी के मारे दीवाने हो रहे होंगे, मगर वाहरे नौजवान आराम से अर्श इलाही के नीचे एयर कंडीशन का मज़ा ले रहा होगा।
कौन नौजवान जो गुनाहों से अपने को रोके रखेगा? रोकोगे इंशाल्लाह? और फिर से कहो इंशाल्लाह, फिर से कहो इंशाल्लाह, रोते हुए कहो इंशाल्लाह। अल्लाह से मांगो कि अल्लाह आज रमज़ान की इस रात में मैं आपकी तौफीक के भरोसे पर कह रहा हूँ, आप मुझे अकेला मत छोड़िए, अब कभी मुझे गुनाह के करीब मत जाने दीजिए। अब दुआ के लिए हाथ उठाओ। अल्लाह ताला हम सब की को पाक दामन रखे, हमारी औलादों को पाक दामन रखे, हमारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को पाक दामन रखे। سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين اے اللہ ہم آپ کے بندے آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں حقیقت میں نہایت گندے ہیں اے اللہ معاف کر دیجئے معاف فرما دیجئے معاف فرما دیجئے اے اللہ رمضان کی یہ راتیں ہیں آخری عشرے کی راتیں ہیں آج یہاں 24th شب ہے تو حرمین میں اور بیت المقدس میں 25th طاق شب ہے کیا پتہ وہاں شب قدر ہو اے اللہ وہاں اور یہاں آپ ہر جگہ موجود ہیں اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے آپ کی شفقت پر قربان آپ کے پیار پر قربان اپنے بندوں پر آپ کتنا پیار نشاور کرتے ہیں اپنے بندوں اور بندیوں کا خصوصاً نوجوانوں کا آپ کتنا لحاظ رکھتے ہیں اسلام جیسا پیارا طریقہ آپ نے عنایت فرمایا اے اللہ ہم اپنے قصور کا اقرار کرتے ہیں